दिए मैंने। और इसकी वाइब्रेशन देखो, मेरे हाथ पे देखो, शीशा क्रैक होने की थोड़ी समस्या रहती है भाई, टूट ना जाए यार ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर एरिया 69। आज मैं आपके लिए एक अलग सी टाइप की जीप लेके आया हूँ। पहले जीप देख लो भाई, कौन सी जीप है ये। तो आप सबने अपने बचपन में या अपने दादा के पास या अपने परदादा के पास में ये गाड़ी जरूर देखी होगी। तो जिस भाई को पता है तो ठीक है, जिस भाई को नहीं पता बता देता हूँ, ये महिंद्रा की है, जीप आती थी। और उसके साथ की जैसे वो खड़ी है वहाँ पे, एक बार दिखा दे भाई, वो देखो एक वो खड़ी है। तो इसे मेन तो मेजर जीप बोलते थे। तो इस वीडियो के अंदर मेजर जीप थी ना जो, वो कुछ ऐसी होती थी ये जो यहाँ पे खड़ी है। और अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है और कुछ ये ऐसी बना दी गई है और बन गई है। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा इस गाड़ी के बारे में। भाई जिसको इसके अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो इसके अंदर और ज़्यादा करा सकता है। पर एक बार इसकी लुक देख लो भाई, कितनी ज़्यादा गजब लग रही है ये देखो। अब यहाँ से देखो ये गाड़ी, अब और क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है इसके अंदर। इसके अंदर जो टायर्स है वो थोड़े बड़े डलवा दो, सीटिंग पोस्चर थोड़ा सही करवा लो, बस ये चीज़ें और मेजर मेजर चेंज हो सकती हैं। तो इस वीडियो को मैं एक पूरी डिटेल में बना दूंगा इस वीडियो को, तो थोड़ा देखते रहना अंत तक। और जो भाई नए हैं ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको एक बड़ा सा ये देखने को मिल जाता है। अब भाई ये गाड़ियों के अंदर तो इलीगल होता है, पर इसमें जीप के अंदर लगता ही है कि कोई भी आएगा बंदा चल खत्म, ये गाड़ी हो जाती है। उसके बाद में अपने वो रेडिएटर यहाँ पे सामने देखने को मिलता है, कुछ ऐसी इसकी ग्रिल हो गई आप देख सकते हो आराम से। और ये इसके दो बड़े बड़े हेडलाइट्स, इसकी आंखें होगी, जो हेडलाइट्स मिल जाते हैं अपने को यहाँ पे, हेलोजन मिलते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे अपने को ये पार्किंग लैंप और इंडिकेटर देखने को यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड हो जाता है। उसी के साथ मेरा एक भाई आ रहा है, तो अपने करते हैं बाद में साइड प्रोफाइल की बात। तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है आप देख सकते हो। और उसी के साथ जो व्हील प्रोफाइल है ना भाई, वो देख लो एक बार। ये टायर्स हैं, यूज वाले टायर हैं। अभी इसकी ये यार सारा कुछ घंसा हुआ है। इसकी प्रोफाइल क्या होगी यहाँ पे पता नहीं भाई, क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ पता हो बता देना। यहाँ पे कुछ नोट नहीं है, मीटा मोटा हुआ है। तो मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। अगर आपको इस पर कुछ फ्लैक्स टाइप की यहाँ पे कुछ मान लो फ्लैक्स व्हील्स लगवाने, तो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। उसके बाद में जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे अपने वो साइड ORVM देखने को मिल जाते हैं ये रे, जिसको आप 360 एंगल पे आराम से घुमा सकते हो भाई, टूट ना जाए यार ये। तो ये यहाँ पे इसका फ्रंट हो गया, ऐसा कुछ देख सकते हो ये देखो। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने को डीजल अपने यहाँ से फिल कर सकते हैं। डीजल नोब अपने को यहाँ पे मिलती है, जो ये इसकी कैपेसिटी है वो अपनी लगभग ये हो जाती है 40 लीटर की हो जाती है। उसके बाद भाई बैक में आ जाए, बैक में दिखाता हूँ आपको। ये कुछ बैक का व्यू ऐसा, जिसके अंदर अपने को जो लास्ट वाला डोर है वो अपने इस टाइप का भी मिल जाता है और उस टाइप का मिल जाता है, वो वहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ अलग किया हुआ है, जिसके अंदर अपने को विद मिरर लगा होता है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है लास्ट में। और जो स्टेपनी है उसका अपने यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और ये थोड़े स्टॉपर हो गए, ऐसा कुछ हैंडल हो जाता है इसका, ऐसा कुछ यहाँ पे सीटिंग पोजिशन है ये देखो, यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ। ये ऐसा कुछ इसका खेल है। और यहाँ पे अपने एक स्टेप का फुट रेस्ट मिल जाता है। और जो पीछे टेल लाइट है, जो पीछे टेल लाइट है वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स लैंप और इंडिकेटर सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर अपने यहाँ पे हो गए। फिर साथ ही साथ यहाँ पे एक टोइंग हुक हो गया ये रहा, इससे आप कुछ भी टो कर सकते हो, ट्राली हो गई चाहे कुछ भी हो गया। उसके बाद भाई इसको करते हैं बंद, अब ऐसे करके ये बंद हो जाएगा। पर भाई जैसे इसको अपने बंद करते हैं ना, तो यहाँ पे शीशा क्रैक होने की थोड़ी समस्या रहती है, कि जैसे बंद करेंगे तो इस पर क्रैक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में अंदर जाके दिखाता हूँ भाई, सबसे मस्त खेल तो यहाँ पे है ये देख लो। ऐसा कुछ सीटिंग पोजीशन है इसका, अपने यहाँ पे ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसके साथ साथ ABC अपने यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच अपने को यहाँ पे हो गया, कुछ इसका ऐसा गियर नॉब हो गया आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में जो इसका मीटर है ना, वो यहाँ पे आप को मिल जाता है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, सारा कुछ, फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे कुछ मिल जाता है। तो उसके बाद की बात करूँ तो भाई की अपने कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अपने को यहाँ पे की पोजीशन मिल जाती है, जैसे अपनी इग्निशन यहाँ पे ऑन करेंगे ऑन ऑफ और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी ये। तो इस टाइप से जो स्टेयरिंग व्हील है वो अपने कुछ ऐसा मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल लो प्रोफाइल। यहाँ पे देखो इसकी प्रोफाइल देखो कितनी स्लो है, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे अपने को ये वाइपर्स वाला हो गया इधर साइड में, और इधर लाइट्स वाला हो गया, अपने यहाँ पे वो सेम जो गाड़ी में मिलता है उसी हिसाब से यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में कुछ
अपने को यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ये देखना कुलचा भाई। हाँ ये देखो, ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और इस गाड़ी को ना यहाँ से अपने ऑफ़ नहीं कर सकते, अगर ऑन किया है तो यहाँ पे स्टॉप बटन मिलता है, इसको लीवर खींच के यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद में जो अपना जो नेचर का एसी है वो अपने को यहाँ से देखने को मिलता है। ये रहा, ये अपने को ये लेग रूम वाला एसी हो गया, अपने यहाँ से इसको खोल सकते हैं जब अपने गाड़ी को चला रहे हैं। और साइड में अपने को IRVM मिल जाता है और ORVM अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भाई इसकी सीटिंग पोजीशन है, यहाँ पे दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं और पीछे तीन तीन बंदे आराम से बैठ जाते हैं। सेंटर में अपने को यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है। अब इसको स्टार्ट करके इसकी वाइब्रेशन दिखाता हूँ भाई कि कितनी ज़्यादा इसी ये वाइब्रेट करती है। अब देखो ये ऐसे स्टार्ट होगी और ये देखो, अब इसकी वाइब्रेशन देखो मेरे हाथ पे देखो, और इधर देखो साइड में ऐसी वाइब्रेशन कर रही है। ये देखो गियर नॉब पे देखो भाई, इसकी जो वाइब्रेशन है ना वो थोड़ी ज्यादा है। ये देखो ये सारा कुछ ऐसा है। अब जैसे इसको बंद करनी है ना तो यहाँ से आपको बंद करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप चाबी इसको बंद कर सकते हो। और जो हजार लाइट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा कुछ पूरा इसका सिस्टम रहता है गाड़ी को। और अगर आपको सीट रिक्लाइन करनी है वो ये देखो इससे आगे पीछे हो जाती है सीट, उसके बाद नीचे भी अपने को थोड़ा सा स्पेस एरिया मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, खेणी चेनी कुछ भी रख सकते हो, है ना सुरेश कुमार जी, कुछ भी रख सकते हो ना आप यहाँ पे। गाड़ी कैसे लग रही है भाई? एकदम बढ़िया यार। सुरेश जी आपको गाड़ी कैसे लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत बढ़िया लग रही है। आपको कैसी गाड़ी लग रही है? पूरा पका हुआ माल है, पूरा पूरा पका हुआ माल है। तो भाई ये इस गाड़ी की वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर ऐसी ऐसी नई वीडियो के अंदर।